पहले कल्चर में रहा बचपना वाली उसी कल्चर में रहते हैं, अपने आप को फील नहीं करते हैं कि मतलब आज हम स्टार हो गए, हम हीरो हो गए, हिन हो गए, तेन हो, इनके अंदर में भावना नहीं कि हम इतना बड़ा स्टार हो गए, ये हो गए, वो सबसे मिलते हैं, बूढ़ा लड़का जवान बच्चा सबसे। हमने हनुमान जी से कहा था कि हे प्रभु मेरा बच्चा अगर स्टार बन का लेवल लग जाएगा तो मैं आपका दोबारा फिर मंदिर तोड़वा कर विधिवत ढंग से। मुझे भी गाना चाहिए कैसे? प्रमोद बोला बहुत से खेसारी लाल के पिताजी से हम जुड़े रहे, अच्छा मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत बहुत सब कविता कहे, हेन तेन 50 कविता कहने लगे तो लोग बोले कि पहले आपका गाते रहे, बोले कि हाँ हम गाते रहे, हम स्टूडेंट लाइफ में थे ना तो हम लोग का प्रोग्राम जो हो है कि सिनेमा हॉल में टिकट लगा कर देखा जाता रहा जी। और हम 4-5 भाषा में गाना गाते, बांग्ला में भी गा लेते रहे, पंजाबी भी गाते रहे और लिखना पढ़ना भी जानते रहे पंजाबी और बांग्ला सब। कहें कि 10-11 क्लास तक हम पर्सनली जैसे जिस तरह के बिहार में लोगों लड़कों को संस्कृत पढ़ाया जाता है वैसे वेस्ट बंगाल में अनिवार्य रहा बांग्ला पढ़ना, इसलिए हम लोग को बांग्ला का कल्चर में जहाँ रहते रहे वहाँ का कुछ भाषा भी जानकारी और लिखना पढ़ना भी जानकारी। तो मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि प्रमोद प्रेमी यादव जी ये भी आप भी यादव हैं और खेसारी लाल यादव जी वो भी यादव हैं, तो क्या मतलब कुछ रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी नहीं है, उनके घर पर कृष्णा बेदर्जी जो राइटर है उनका तिलक रहा उसमें हो। खेसारी के पिताजी खुद फोन करके बुलाए हमको कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमने गया उनके द्वार पर, अच्छा स्वागत किया बेचारे ने हमको और करीब 20,000 आदमियों का भीड़ लगा हुआ था, प्रमोद प्रेमी का वहाँ प्रोग्राम था उस तिलक में, खेसारी लाल जी हाँ और खेसारी लाल भी थे वहाँ, उनका पिताजी और हमको दोनों आदमी लोग बैठा दिए, 20,000 लड़का लोग सेल्फी खींच के ले गया हम लोग एकदम, और बोले लड़का लोग भी चाचा हम लोग को भी आशीर्वाद दीजिए, तो भाई हम लोग बोले कि भाई हमारे तरफ से आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, तुम भी बढ़ो आगे। और फिर इस मंदिर का स्थापना वो आने वाला है खेसारी लाल के पिताजी आएंगे वचन बद्ध। तो अभी जैसे कि आप एक मंदिर बनवाए उसके बारे में बताइए। ये मंदिर है जो कि हनुमान जी का है, हम बनवाए रहे बचपन से, मेरा शौक था पूजा पाठ करते रहे उसी समय से, हमने कहा कि हमें हमारे बुढ़ा जाने के बाद इस मंदिर का कोई सेवा करेगा या नहीं करे, हमने हनुमान जी से पूजा करते समय कह डेली कहते कि हे भगवान अपना सिंगार आप अपने तैयार कर लीजिएगा, ताकि हम जब तक रहेंगे तो आपका सेवा करेंगे, अब हमारे बाद लड़का लोग करेगा कि नहीं हम तो नहीं बता सकते, मगर आप अपना एक सिंगार तैयार कर लीजिएगा। हनुमान जी ने अपना सिंगार तैयार कर लिया और फिर से हनुमान जी का हमने मंदिर बनवाया, बनवा कर बढ़िया ढंग से चालू किया है। तो ये वो जो मन्नत आपने मांगा था कि प्रमोद प्रेमी यादव जी सुपरस्टार बने उसके बारे में बताइए दर्शकों को। हमने हनुमान जी से कहा था कि हे प्रभु मेरा बच्चा अगर स्टार बन का लेवल लग जाएगा जी। तो मैं आपका दोबारा फिर मंदिर तोड़वा कर विधिवत ढंग से बनाऊंगा। उस समय तो हम सक्षम नहीं थे क्योंकि उतना हमारे पास ना पैसा था ना आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं थी, तो जब वो दिए हनुमान जी दिए हमको तो हम बोले दो तो फिल्म का साइन दे देना बेटा, बोले ठीक है पिताजी ये प्रमोद प्रेमी बनवा रहे हैं। तो ये बताइए कि प्रमोद प्रेमी यादव जी जैसे कि घर पर आते रहते हैं हाँ। तो मतलब गांव वालों जैसे रहते हैं तो गांव वालों क्या रिएक्शन रहता है? गांव वाले आते हैं तो सारा गांव वाला लोग लड़का लोग जुट जाता है, जुट का पर हाई जैसे पहले कल्चर में रहा बचपना वाली वही उसी कल्चर में रहते हैं, अपने आप को फील नहीं करते हैं कि मतलब आज हम स्टार हो गए, हम हीरो हो गए, हिन हो गए, तेन हो, इनके अंदर में भावना नहीं कि हम इतना बड़ा स्टार हो गए, ये हो गए, वो सबसे मिलते हैं, बूढ़ा लड़का जवान बच्चा सबसे। अभी आपका एक सॉन्ग आया है भोले बाबा की आरती, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा गुनगुना। धन्य ज्योति अमर लहलाती लहर भोले बाबा,
हर विकारों को मेरे तू हर हर। हमारे गुरु महाराज जी का आरती है, श्री मानस भजनावली से हमने गाया है, और इस सोमवार के दिन ही कल का दिन नेट पर छोड़ा गया है। और भी हम जितना भी गाना गाएंगे सब टोटल मानस ही भजनावली से गाएंगे, किसी तरह का अश्लील गाना नहीं गाएंगे। जो कुछ भी होगा संत की वाणी होगा, उसको समझने वाला वही पुरुष समझेगा जो कि रामायण और गीता का जिसके अंदर ज्ञान होगा, वही इस चीज को समझेगा। और नहीं तो बनऊंगा सैया पीवा तो गाने वाला तो हजारों गाना है, हम ऐसा गाना नहीं गाएंगे। क्योंकि हमारा उम्र हो चुका है, उम्र के हिसाब से ही हमको